हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्विक आंसर के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि देश में आखिरकार ऑक्सीजन की कमी हो क्यों रही है, वही खास तौर से दोस्तों मेडिकल ऑक्सीजन की। तो दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अभी अभी चुनाव हुए हैं और दोस्तों कोरोना ने इस टाइम सबसे ज़्यादा संक्रमित महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन राज्यों को ही किया है। दोस्तों कोरोना कारण यहाँ पे 1/3 भाग संक्रमित हो चुका है और इसका कारण हम सब जानते हैं कि किस कारण की वजह से ये इतना फैला है। खैर छोड़िए दोस्तों, अगर हम बात करें पर डे इंडिया के अंदर ऑक्सीजन की टोटल डिमांड की, तो ये है 1500 से 1600 टन। तो दोस्तों 1500 से 1600 टन ऑक्सीजन पर डे रिक्वायर्ड हो रही है और यह लगातार बढ़ रही है। दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि देश के अंदर ऑक्सीजन प्लांट की कितनी कमी है। तो मेडिकल ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक टैंकर के अंदर स्टोर किया जाता है तथा किसी प्लांट से ऑक्सीजन को एक टैंकर में भरकर भरने में 2 घंटे का समय लगता है तथा वहाँ से उस टैंकर को जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ तक पहुँचाने में हम जानते हैं कि कितना टाइम लग सकता है। इसके अलावा दूसरा कारण यह हो सकता है कि दोस्तों लिक्विड ऑक्सीजन हल्के नीले रंग की और काफ़ी ठंडी क्रायोजेनिक गैस होती है जिसका टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे खास सिलेंडर में लाया ले जाया जा सकता है जिसकी इंडिया में अभी कमी है। तो दोस्तों दूसरा कारण यह है। अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो दोस्तों इसका वो तीसरा कारण ये हो सकता है कि हर स्टेट के अंदर ऑक्सीजन प्लांट नहीं होने के कारण तथा ऑक्सीजन स्टोरेज के पर्याप्त उपकरण नहीं हुए। इसके साथ ही दोस्तों देश का कुल ऑक्सीजन का 90% भाग माइनिंग और फैक्ट्री में खपत होने के कारण देश में ऑक्सीजन की इतनी कमी चल रही है। अतः कुछ टाइम के लिए इस पर रोक लगा देनी चाहिए। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।